morning, distinguished guest, son of our national hero, Shahid Mukul Bhatt, our honorable MP, Simon Dancher, Director Councillor, Colonel Lambert, other my fellow councillors, Richard Parnell, Councillor Sultanali, Councillor Lee Lamet, and distinguished guests here. I want to speak in basically both languages because the time restriction from Brother Dollar, that's why I want to speak in one language. Basically, होता यूँ है कि जब भी व्हाट्सएप के बारे में बात की जाए तो मैं जज्बात में मगलूब हुए बगैर नहीं रह सकता। आज के दिन का जो मकसद था वो कि व्हाट्सएप की शहादत 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन शौकत मकबूल व्हाट्सएप के वक्त की वजह से भाई अदालत ने आज का दिन मुंतखब किया। तो मैं समझता हूँ कोई भी दिन हो, वो दिन एक तजदीद अहद वफा है, उस वफा के साथ एक तारीख साज अहद के साथ एक अजीम इनकलाबी रहनुमा के साथ और एक शहीद के साथ जिसने अपनी जिंदगी जाने अफरी के हवाले इस ऐद के साथ कर दी थी कि मेरे कश्मीर तू जरूर आजाद होगा अगयार की गुलामी से, जबर से और मकमूयत से। वो तेरा वकार एक दिन आलम इकवाम में एक आजाद असीर से जरूर बुलंद होगा। ये सच बात है कि कश्मीरी कौम ने हर दौर में अपनी बदतरीन गुलामी के खिलाफ भरपूर जदोजहद की, चाहे वो जदोजहद बाकायदा जंग की सूरत में थी या फिर बगावत की शक्ल में। और आपको तारीख आलम में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी कौम के अफराद ने अपनी जिंदा खाने में उतरवाई हो और गुलामी को कबूल ना किया हो। ये सिर्फ कश्मीरी कौम का खासा है। लेकिन क्या वजह है कि इतनी कमियां, इतनी ज्यादा कुर्बानियों के बावजूद जिस तरह के मेरे भाई शाह साहब ने यह बात की कि हमें कामयाबी न मिल सकी, इतनी तवील जदोजहद के बाद भी आज भी अगर आप देखें तो हमारी आजादी की मंजर जो है वो एक धुंध में लिपटी हुई नजर आती है। होता तो यूं है और सच भी यही है कि किसी भी कौम को उसकी मंजिल की जानब ले जाने में उस कौम की लीडरशिप का किरदार होता है, उस कौम की क्यादत का किरदार होता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती यह थी और है भी कि हमारी क्यादत ऐसे, मुझे भाई साहब ये कहने दीजिए कि हमारी क्यादत ऐसे ठगों, डाकुओं और लटेरों के हाथों में है जो कश्मीर की आजादी की बजाय मुजफ्फराबाद या श्रीनगर के अवानों को अपनी आजादी की मंजिल समझते हैं। ये शोर, ये डाकू वजीफे लेकर अरबों खरबों के मालिक तो बन जाते हैं लेकिन कौम को रंगो नस्ल के बुतों में तकसीम करके कौम को आजादी के लिए मसाज खड़े करते हैं। और यही वो हालात थे भाई, दो मिनट, यही वो हालात थे जब शहीद कश्मीर ने यह महसूस किया ये रवायती की आदत किसी सूरत में भी कश्मीरियों को आजादी की मंजिल से हमकुमनार नहीं कर सकती। लिहाजा क्या हुआ कि फिर उन्होंने इस तहरीक को अपने हाथ में लिया और इनकलाबी खतूत पे सवार करते हुए इस तहरीक को मुनज्जम किया और इसी रवायती की आदत ने बट साहब की इस इनकलाबी तहरीक में मसायब के पहाड़ खड़े कर दिए। बट साहब को गदार कहा गया, दुश्मन का एजेंट कहा गया। ये रवायती क्यादत खुद तो
कोई मुजाहिद अव्वल बन गया, कोई सिलारे जमहूरियत बन गया, कोई कायदे जमहूरियत ठहरा, कोई शेरे कश्मीर बना, कोई गाजी मिलत बना और इस तरह मुतबे बन गए। लेकिन कश्मीरी कौम के साथ ये गदार हमेशा ये इस किस्म का मजाक किन्होंने मजाक करते रहे। शहीद कश्मीर की मेरा ख्याल में 22 साल तवील जदोजहद थी और 8 साल तवील असीरी और फिर शहादत ने पढ़े लिखे और नौजवान नस्ल पे ऐसे गहरे असरात छोड़े कि नौजवान नस्ल ने शहीद कश्मीर के तर्ज इंकलाब को ही अपने अंदर समझा। 8 साल की असीरी के बाद शहीद कश्मीर ने अपनी जान कौम के नाम पर और वतन के नाम पर इस तरह दे दी कि हमने अपनी जिंदगी इस उम्मीद पर लुटा दी कि मेरे खून से वतन में कुछ तो हरियाली होगी। शहीद कश्मीर की यह कुर्बानी हमारी कौम के लिए मुश्किल रात बहुत बड़ा सरमाया थी। एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि जो गदार ओजे तरक्की पे पहुंचे शहीदों की लाशों को जीना बनाकर उन्हें भी उसी चौक में लाकर सजा दो सजा दो।